भारत सरकार ICDS के तहत आदिवासी क्षेत्रों में 150 से 300 की आबादी पर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने को निर्धारित किए हैं, जबकि महंगवा भेड़ी टोला में 306 की आबादी है और 87 परिवार निवास करते हैं। यहाँ पर कुल 26 बच्चे 0 से 5 वर्ष के हैं। आपके गांव में कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं और कहां पर है? मेरे गांव में एक ही आंगनवाड़ी है, बड़ी बस्ती महंगवा में। भेड़ी टोला के बच्चे पोषण आहार स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलता है उन बच्चों को? पोषण आहार की सुविधा तो है, वो सूखा देखो राशन दिया जाता है सप्ताह में मंगलवार को। और जो अनौपचारिक शिक्षा के बच्चे हैं 3 से 6 साल के बच्चे, वो बच्चे नहीं आ पाते। आप अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र क्यों नहीं भेजते, क्या कारण है? हमारी मोहल्ले से 1.5 किलोमीटर पड़ता है और रास्ते में वो मेन रोड पड़ जाता है, तो यही तो है, छोटे बच्चों को अगर अपन छोड़ेंगे तो क्रॉस करने में कई दुर्घटना है। तो जैसे वहाँ पोषण आहार या टीकाकरण का जो लाभ है वो आप कैसे ले पाती हैं? वो जैसे लेना रहेगा तो जाना पड़ता है आंगनवाड़ी केंद्र, समय रहा तो गए और नहीं मिल पाया तो नहीं जा पाते। आपने इस समस्या को लेकर कहीं बात किया है आंगनवाड़ी केंद्र की मांग को लेकर? हमने की है ना, पंचायत में भी दिए हैं, तो पंचायत वाले बोलते हैं कि परियोजना अधिकारी के पास हम लोग कागज जो प्रस्ताव बनवाए हैं वो जमा कर दिए कर, लेकिन आज तक तो सुनवाई नहीं हुई है। कितने साल हो गया ये आवेदन प्रस्ताव ग्राम सभा में दिए? ये 1 साल हो गया। आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में भी आंगनवाड़ी खुल जाए और हमारे मोहल्ले को भी बच्चों को जो शिक्षा है, पोषण आहार और समय में जो टीकाकरण नहीं हो पाता वो सब किसी हो जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगस्त 2014 से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ, हमारी महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी कुंडम श्री संजय अब्राहम जी को 9425-15-27-79 पर कॉल कर दबाव बनाए। मैं सरोज परस्ते, विकास खंड कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।